हाँ रख दिया है मैंने पेपर। यहां भी नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम नौ शर्मा, झूठ बोल रहा है ये। आप कैसे इसकी बातों में आ सकते हैं? ये भी तुम्हारी चाल है ना दुआ? ये मिला, ये जाफर भी इसके साथ मिला हुआ है, मिले हुए ना तुम इसके साथ? शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको मिला लिया है तुमने अपने साथ। क्या करना चाह रही हो कमजोर कातिला? बस कमजोर ये नहीं तुम हो। ख्वाहिशात को पाने के लिए तुम इस हद तक गिर गई कि अपने शौहर की, हमारे बेटे की जान ले ली तुमने। हमने हाथों से पाला था तुम्हें, सजाया था, संवारा था, अपनी गोद में खिलाया था। वाले बना बना के तुम्हारे मुंह में डाले थे, ये सिला दिया तुमने हमारी मोहब्बत का। हमारे बेटे को मार दो। हाँ ले ली मैंने सवार की जान, अब बताई ले ली। पर एक बार पूछ तो ले कि ऐसा किया क्यों? अब्बा साहिब बेब, मैं नशीरमा से मोहब्बत करती थी अब्बा साहिब। ये सब मैंने नशीरमा को पाने के लिए किया। तुम इस हद तक गिर जाओगी हम सोच भी नहीं सकते थे। जब नौशेरवा तुम्हारा था तो इसे जहर देकर मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि थक गई थी बाबा साईं, क्योंकि मैं थक चुकी थी। क्या कुछ नहीं किया नौ शर्मा को पाने के लिए, क्या कुछ नहीं किया है? और जब सब कुछ ठीक हो गया तो नौ शर्मा दुआ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं क्या करती? मिला दिया मेरे जहर नौ शर्मा के कांधे में। अगर नौ शर्मा मेरे नहीं तो किसी के नहीं। नीच बदजात? हाँ हूं मैं नीच बदजात। हो गई गलती मुझसे, मैं जानती हूँ। नहीं देना चाहिए था नौ शर्मा को जहर। नौ शर्मा को नहीं, इसको जहर देना चाहिए था। बस नौ शर्मा, मैं सिर्फ आपको पाने के लिए किया है ये सब कुछ। मां खुदा, मैं सिर्फ आपको पाना चाहती थी नौ शर्मा। मैं बात को समझ,
हुक्म करें तो इसको शूट कर दूं अभी। अगर ये औरत ना होते तो अपने भाई की कातला का सर अपने हाथों से काट देता। अभी प्लीज बोले नौशर्मा से, इन लोगों को क्यों बुला रहा? अम्मा जाई, अम्मा जाई प्लीज, इन लोगों को क्यों बुला रहा? प्लीज मेरी बात सुन ले, ले जाओ इसे। नहीं बाबा जाई, बाबा नौशर्मा, नौशर्मा प्लीज, नौशर्मा। आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने जो कुछ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा गलत समझ।